अस्सलाम वालेकुम दोस्त भाई, सब फ्रेंड कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। तो क्या हाल है? अच्छा, तो वीडियो आज की जो शेयर करते हैं, टाइगर का ये मॉडल जो T3000 एक्स्ट्रा, और ये 4K एंड्रॉइड है और 8K भी अब आ गए हैं, लेकिन चैनल अभी 4K हैं। और फिर 8K में एक चीज़ ये नहीं है अभी तक, चाहे वो 28,000 से ऊपर कीमत है, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं हैं जो इसमें हैं। तो इसमें क्या है? और ये 4K तो है ही, और इसका 7.19 इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है। और फिर उसके बाद जो इसमें एक फ़ायदा है इसका और नए 8K में वो चीज़ नहीं है, वो भी शेयर करते हैं। चलें, इसमें जो सर्वर है वो तो ज़ाहरी बात है, अक्सर रिसीवर जो भी आ रहे हैं उसमें वो है फॉरएवर। तो बाकी जो रहा एक इसमें जो इजाफी चीज़ है तो वो भी शेयर करते हैं, और कुछ फीचर इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं और अक्सर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये बिल्कुल ये देख सकते हो, बैक साइड के यहाँ जाएँ तो फिर काफ़ी अच्छा है ये, और बैक साइड पे चले जाएँ तो फिर ये देख सकते हो इस पर बिल्ट इन वाईफाई होता है, और पीछे बैक साइड में ये देखें इस पर डबल USB और कार्ड और फिर 12 वोल्ट अडेप्टर इसका। यहाँ पे लैन की जगह है, लेकिन अभी इस तरह मतलब है यूज़ नहीं हुई, ज़री बात है। और बाकी ट्यूनर एक है, बिल्ट इन वाईफाई होता है और HDMI, बाकी इसको जो है ना फुली 4K है। और रेगुलेशन इसकी दिखाते हैं, क्या ये 21-25-60 है या फिर कितना है मतलब। और ये देख सकते हो इस तरह का एक्स्ट्रा है, और टाइगर भी था एक 3000, और ये मेगा है, और बाकी इसका इस पर सादिसी डिस्प्ले है। और फिर उसके बाद जो और साइज़ में ये दरमियाना साइज़ है, उतना बड़ा इसका बोर्ड है मतलब इसका सर्किट। बाकी इसकी एसेसरीज LED 4K नहीं है, 4K तो होगी तो रेगुलेशन अच्छी होगी, एंड्रॉयड नहीं है तो फिर उसका ये बिल्कुल एंड्रॉइड मिलेगा, ज़ाहरी बात है। ये रिमोट है तो बहरहाल ये रिमोट अवेलेबल हर वक्त मिल जाता है। अडेप्टर है इसका HDMI है इसकी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अच्छी थी बस, और कुछ नहीं है। गारंटी तो इसकी है नहीं, लेकिन कंप्लेंट कम है। इसको कर लेते हैं अब ऑन, टच बटन होते हैं इसके, और काफ़ी अच्छे ग्राफिक हैं। और मेन इसका मीनो मतलब एंटीना सेटअप है, तो फिर एंटीना सेटअप पे क्यों ना जाएं, तो फिर ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी इसकी रोशनी, और यहाँ पे तमाम तार सेटेलाइटें, और बटन नीचे ब्लाइंड सर्च हो, TP हो, कोई भी हो नीचे हैं। और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट स्विच है जो 4 पॉइंट तक यूज़ कर सकते हो, और फिर उसके बाद ये है जो 16 तक। और बाकी इसका जो है ना यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, और देख सकते हो फ्रिक्वेंसी भी ऐड के बटन सब रिमोट के ऊपर होते हैं और हैं भी, और फिर ये देख सकते हो। और बाकी इसका जो रिमोट के ऊपर सब बटन हैं, और यहाँ पे भी लिखा हुआ डिलीट हो गया और एडिट होगी और सच। और काफ़ी सारे इसके फंक्शन हैं, और बाकी जो है ना इसकी जो पिक्चर क्वालिटी रेगुलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ है। और आपकी LED के ऊपर जो भी सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये सबसे 4K की रेगुलेशन कम 25 और 30 और 50 और फिर उसके बाद 60 है ये, और यहाँ पे LED मेरी सपोर्ट नहीं करती। चलें अब हम चलते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे HDMI ये देखें 3840 लिख के आएगा, और यहाँ पे ये देख सकते हो जो 2125 है और वैसे 60 है, रेगुलेशन अच्छी। बाकी ये तमाम तरह सेटिंग है, और फिर जो मैं बता रहा था इसकी मेन जो खूबी है, और क्योंकि वो 8K में भी नहीं है, और इसकी LED जो ये देख सकते हो, और फिर अब इसकी खूबी जो बता रहा था, आया सैनिक एप्लीकेशन जो मोबाइल पे आप सिग्नल बना सकते हो, डिस्प्ले तमाम की आपके मोबाइल पे आ जाएगी, और मीरा कास्ट एंड्रॉइड सब में होता है। नए मॉडल 8K तो हैं, लेकिन अब उसमें ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, आप उस पर जो है ना ये एप्लीकेशन आया सैनिक जो है ये नहीं चलेगी उस पर, ये अब
चंद रिसीवर हैं जो पहले आए थे, और ये भी उसमें एक ये भी है जिसपे आपका फेवरेट सर्वर भी है और उसमें इस तरह का डिस्प्ले भी देख सकते हो। और बिल्कुल ये न्यू डब्बे पैक है, और इसका जो है ना किसी दोस्त को चाहिए तो फिर मतलब हमारे पास ये हैं और बिल्कुल मिल जाएगा, इसको 22,800 का मिलेगा।